बिल्ला का है। कल रात में ही निकल गया गाना गाते हुए कि आए जिंदगी गले लगा ले हाओ। नहीं मैडम, उसको लगा कि आप प्याज का स्टॉक जब्त कर लेंगी, प्याज का दाम कम हो जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। इसी खुशी में वो गाते हुए बजाते हुए जाके फिर से धरना पे बैठ गया है। तो आदमी है ये बिल्ला, हमें कौन प्याज के लिए जान देता है। मैडम लेकिन सवाल ये है कि इस प्लान के बारे में ब्रिजेश को कैसे पता चला? नहीं, ये बारे में तो खाली हम ही तीन लोग को पता था ना। यही सोच सोच के हमारा दिमाग चूरन हो जा रहा है कि खबर वहां तक पहुंचा कैसे। मिस्री है जो खबर पहुंचा सकती है, पर मिस्री को भी कैसे खबर लगा हमारे प्लान के बारे में। मिस्री मैडम के इधर कॉलर पे जो माइक लगाया था ना, वो भी ऑफ ही आ रहा था। करिश्मा मैडम, आपको लगता है मैं खबर पहुंचा रही हूँ मिस्री मैडम तक? हाँ, मैं आपकी टीम में हूँ मैडम। अगर मैं झूठ बोलती ना तो मेरा पेट दुखता। मेरा पेट नहीं दुख रहा मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही ना। हाँ मैडम, संतु जी ना बिल्कुल सही बोल रही हैं। मतलब इतना भोला सा, प्यारा सा, मासूम सा, क्यूट सा इंसान जो इस दुनिया में आया ही मोहब्बत बांटने के लिए है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। रिएक्ट मच। ओके, एकदम रिएक्ट मत करना। हमको लगता है तुम्हारी ड्रेस में माइक छुपाया मिस्री ने। मैडम, ये मिस्री तो बहुत ही शानी निकली, रात भर मेरे कंधे पर सवार रही और मुझे पता भी नहीं चला। गलती हमारा है संतु, हम ही उसको ठीक से नहीं आंखे। उल्लू को अंधेरा दिखा रहे थे हम, लेकिन अब हमसे ऐसा गलती नहीं होगा। सुनो, जैसा प्लान चल रहा था ना बिल्कुल वैसे ही चलेगा। वो माइक वापस तुम्हारा यूनिफॉर्म में। वापस? मैडम मैं मम्मी को बार बार ना बोलती कि मुझे शादी नहीं करनी, वो भी सुन लेगी मिस्री मैडम। आगे का प्लानिंग सुनो। हाँ बोलो। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। सामान्य बिहेवियर में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। मिस्री को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमको पता है कि वो हमको सुन रही है। समझ गए? अच्छा, तो आप ऐसे आ रही थी। अब खेल मिस्री का, खिलाड़ी भी वही, लेकिन चाल हमारा होगा। किसकी चाल मैडम? संतु चीता देखो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर टाइम रहते ही ब्रजेश ने अपना क्राइम कन्फेस नहीं किया ना, तो हमारा तो सस्पेंशन पक्का है, लेकिन ये बिल्लू जो है ना, इसका जान भी जाएगा। बताइए मैडम, क्या करना है? देखो, सबसे बढ़िया बात ये हो गया है कि हमारे साथ खुफिया विभाग जुड़ गया है, जो मिस्री को अभी तक पता नहीं है। अभी जो खुफिया विभाग है ना, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और हमको भी मैसेज किया था कि थोड़ी ही देर में हमको वहाँ का पता देने वाले हैं जहाँ पे वो अपने प्याज का सारा स्टॉक छुपा के बैठा है। तो एक खुफिया विभाग जो हमारे साथ जुड़ा है, ये बहुत अच्छा काम हो गया है। तो चीते संतु, तुम जाओ थाना, खुफिया विभाग से संपर्क में आओ और हमको सारा खबर दो, अपडेट करो कि क्या चल रहा है वहाँ पे। हाँ हाँ मैडम, पर ब्रिजेश को तो पुलिस प्रोटेक्शन मिली है ना। हाँ, थोड़ा लीगल प्रोसीजर है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इस ब्रिजेश को हम नहीं छोड़ेंगे। एक जगह है जहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं जाता है, पता है? कहाँ मैडम, कहाँ? बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं जाता है। वहाँ क्या करेगा ब्रिजेश? उस जमाखोर ब्रिजेश को तब हम पकड़ के ही रहेंगे। ये मैडम सर, क्या हुआ? एक मिनट,
ये सब क्या है? आई जय हिंद मैडम सर, वेलकम बैक. जय हिंद. शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया इतने प्यारे और धमाकेदार वेलकम के लिए. थैंक यू मैडम सर. एक ना ऐसे पर्सनल लेवल पर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि तजुर्बा कहता है हमारा ये वाला डायलॉग अगर हो जाए ना मैडम सर, तो हम लोग को ऐसा लग जाए कि आप आ गई हैं. बहुत मिस किए मैडम सर. प्लीज मैडम सर, प्लीज प्लीज प्लीज. तजुर्बा कहता है हमारा. तजुर्बा कहता है हमारा कि बहुत लोगों को जिंदगी से मोहब्बत होती है, लेकिन हमारी तो जिंदगी ही आप सबकी मोहब्बत से है. बहुत मिस किया आप सबको. ये थाना हमारा घर है और आप सब हमारा परिवार. बहुत दिनों तक हम दूर वैसे भी नहीं रह पाते. सच में आप सबको बहुत मिस किया. मैडम जी, हमने आपको बहुत मिस किया और हमारी अदरक वाली चाय ने भी बहुत मिस किया. वो तुम्हारा घटिया अदरक वाला चाय जो अभी तक घटिया ही है. बिल्कुल सही, लेकिन मैडम हम और हमारी बिरयानी ने सच्ची में बहुत मिस किया. अपने बालों का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बिरयानी ने मिस किया बहुत. वैसे ये सब आपका प्लान था ना? नहीं नहीं मैडम सर, ये हम सबका प्लान था, हमारे अकेले का नहीं. हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम सब मिलकर. अरे नहीं मैडम सर, ये तो करिश्मा मैडम का ही प्लान था. यही चाहती थी कि हम कुछ ऐसा करें कि आपका दिल खुश हो जाए और हम सब अपनी फीलिंग आपके लिए एक्सप्रेस कर पाए. मना किए थे ना तुमको, फिर पेट दुखता ना मैडम. मैडम सर सच में बहुत अकेले पड़ गए थे आपके बिना. आप अचानक से ऐसे छोड़कर चली गई, हम भौरा गए थे कि कैसे करेंगे क्या करेंगे आपके बिना. आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे आज के बाद. आपको लगता है कि हमारी लाइन ऑफ ड्यूटी में हम इस तरह का प्रॉमिस कर सकते हैं? चलिए फिर भी आपके लिए हम वादा करते हैं कि इस तरह से छोड़कर नहीं जाएंगे. लेकिन जहां तक हमें पता चला है, आपने हमारी गैर मौजूदगी में इस थाने को बहुत अच्छे से संभाला है. सारे डिफिकल्ट केसेस बहुत समझदारी से हैंडल किए हैं. उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने साबित कर दिया है कि हमारे ना होते हुए भी आप ये थाना अकेले बहुत अच्छे से चला सकते हैं. इस थाने को हमारी जरूरत हो ना, आपकी जरूरत हमेशा रहेगी. मैडम सर आपने इतना बोल दिया हमारे लिए काफी है. हम हमेशा आपका भरोसा और उम्मीद पर खरा उतरेंगे. ओहो, एकदम राम भरत मिलाप का अनुभव हो रहा है हमें. वाह वाह वाह, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? ज्यादा सही हो रहा है, सही हो रहा है. मैडम सर हम बता रहे हैं कि करिश्मा मैडम आपके पीछे बोल रहे थे कि नहीं नहीं, इस कुर्सी पर हम कदापि नहीं बैठेंगे, ये कुर्सी हसीना मैडम की है, हम नहीं बैठेंगे. वैसे ही जैसे प्रभु रामचंद्र के पीछे भरत ने उस सिंहासन पर बैठने के लिए मना किया था, बल्कि उस सिंहासन पर प्रभु रामचंद्र के खड़ाव रखकर अपना राज्य संभाला था, बस उसी तरह एकदम सेम टू सेम. कमाल है करिश्मा सिंह, दिल जीत लिया आपने. मैडम सर चलिए, आपका कुर्सी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है. चलिए चलिए. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.